हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी की थी। शादी के कुछ सालों बाद वह बिना तलाक दिए राजेश खन्ना से अलग रहने लगी। काका से अलग होने के बाद हेमा मालिनी के सौतेले बेटे और धर्मेंद्र की संतान सनी देओल के साथ डिंपल का नाम जुड़ा। डिंपल कपाड़िया और सनी देओल काफी सीरियस रिलेशनशिप में रहे। कहा तो ये भी गया कि डिंपल सनी देओल से शादी करना चाहती थी, हालांकि सनी अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। कुछ सालों तक डिंपल और सनी का रिलेशनशिप चला और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। सनी से अफेयर और ब्रेकअप के बावजूद भी डिंपल कपाड़िया का देओल परिवार से काफी अच्छे संबंध थे। हेमा मालिनी और डिंपल कपाड़िया बहुत अच्छी दोस्त हैं। डिंपल के ही कहने पर सनी देओल ने अपनी सौतेली माँ से पहली बार बात की थी। डिंपल कपाड़िया के धर्मेंद्र के साथ भी खूब अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। धर्मेंद्र राजेश खन्ना के भी बहुत अच्छे दोस्त, इसी कारण उनकी डिंपल कपाड़िया से भी अच्छी बनती थी। डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल को धर्मेंद्र ने ही अपने छोटे बेटे बॉबी के साथ फिल्म बरसात में लॉन्च किया था। फिल्म सुपरहिट रही थी और ट्विंकल भी फिल्मों में अपना नाम बनाने में सफल रही थी। बता दें कि डिंपल कपाड़िया और सनी देओल के नजदीकियों की खबर धर्मेंद्र की बहू पूजा तक भी पहुंची थी। पूजा ने पति सनी देओल से साफ कह दिया था कि उन्हें मुझे या डिंपल में से किसी एक को चुनना होगा। सनी ने अपनी पत्नी को चुना था। इसी के बाद से डिंपल और सनी का ब्रेकअप हो गया था।